व्हाट्सअप गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल द परफ्यूम लैब पे। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज का जो हमारा रिव्यू वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ज़ूडियो एक परफ्यूम जिसका नाम है अर्बन। इस परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये बॉक्स है, इसे अनबॉक्स करूंगा मैं वीडियो में, आगे अनबॉक्स करके आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो। अब अपन बात करते हैं इस परफ्यूम के बारे में। मैं कुछ दिनों पहले ही ज़ूडियो में गया था, मुझे जस्ट किसी ने बोला था कि वहाँ पे कपड़े भी और परफ्यूम वगैरह काफ़ी अच्छे रेट पे और सही चीज़ मिलती है, तो मैं बोला चलो चेकआउट करते हैं कैसी चीज़ है वहाँ पे, क्या है क्या नहीं। तो ज़ूडियो से वैसे तो मैं एक शर्ट और जीन्स लेके आया था, साथ में मुझे ये परफ्यूम भी मिला। ये परफ्यूम जो है आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये 299 का परफ्यूम है, 50 ml की बॉटल है ये। मैं आपके सामने खोल के दिखाता हूँ, ये बॉक्स सिंपल सा और ये परफ्यूम, ठीक है। ये देखिए बॉटल, ये बॉटल देख सकते हैं, तो कुछ ऐसी बॉटल है ये, ब्लैक कलर की, मैट ब्लैक कलर की बॉटल है ये। और ये मुझे लगता है शायद थोड़ा सा हैवी ढक्कन है, शायद थोड़ा सा स्टीन या लोहा यूज़ हुआ होगा, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। 50 ml की बॉटल है ये, आप देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल जस्ट स्प्रेयर है इसका, सिंपल सा है, ओके। तो ये था 299 इसका प्राइस है। तो मैंने सोचा मैं ट्राई करके देखता हूँ वहाँ पे। हालांकि दो तीन टाइप के परफ्यूम और थे तो वो जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए। तीन टाइप के वुमन के परफ्यूम थे, तीन टाइप के ही जो जेंट्स के उसके परफ्यूम थे, और तीन टाइप के यूनिसेक्स परफ्यूम भी थे। टोटल अगर आप देखोगे तो 9 टाइप के, 9 वेरिएंट्स के परफ्यूम थे ज़ूडियो में अवेलेबल थे। तो मुझे तो ये पसंद आया तो मैं ये लेके आया। तो फिलहाल आज मैं आपके सामने इसका रिव्यू करने वाला हूँ कैसे ये सेंट है। तो इसके नोट्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कंपनी ने कुछ मेंशन नहीं किया, ना ही कुछ बताया है, वेबसाइट पे भी कुछ अवेलेबल नहीं है। हालांकि ज़ूडियो की वेबसाइट पे तो कुछ अवेलेबल ही नहीं होता, सिर्फ वो स्टोर आसपास जो आपके स्टोर है वो बताते हैं, उसके अलावा कुछ अवेलेबल नहीं है। तो मैं फिलहाल जो मैं फील करूँगा वही आपको बताऊँगा कि इसके एक्चुअली नोट्स हैं कैसे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको शेक करके स्प्रे करता हूँ, ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ढक्कन में मैंने स्प्रे करा है, तो खुशबू जो है थोड़ी सी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि देखिए, जैसे मुझे बताया गया था, काफ़ी लोगों ने बताया कि ज़ूडियो जो है वो एकदम बल्क में चीज़ें बनाता है और वो सस्ते रेट पे बेचता है। तो हो सकता है, सब मुझे लगता है कि जो परफ्यूम है ये बल्क तरीके से बनाया गया है। और ये जैसा कि आपको पता है, जब चीज़ें बल्क तरीके से बनाई जाती हैं तो अधिकतर चीज़ें सिंथेटिक और डिज़ाइनर होती है। तो ये भी एक तरीके से डिज़ाइनर परफ्यूम ही है, थोड़ी सी खुशबू मुझे सिंथेटिक लगती है। जो टॉप नोट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे पचौली की खुशबू आ रही है, काफ़ी मीठी पचौली की खुशबू, साथ में बर्गामोट या ऑरेंज का यूज़ हुआ है यहाँ पे। लिली ऑफ द वैली की भी हल्की सी मुझे खुशबू आ रही है, मैं श्योर नहीं हूँ ये लिली ऑफ द वैली है या जैस्मिन है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट खुशबू फूलों की ही आ रही है। जो टॉप नोट में हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया बर्गामोट या ऑरेंज हो, लेकिन पचौली यहाँ पर डैम श्योर है। उसके अलावा लिली ऑफ द वैली भी मुझे फील हो रहा है। ओवरऑल मैं आपको बोलूँ तो एक सिंथेटिक खुशबू है, 299 में 50 ml में आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है खुशबू ख़राब है, खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत ही जिसे कहते हैं मतलब अच्छी है। एक खाने की बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि इवन दो ये परफ्यूम 299 का है, बट स्टिल इसकी जो खुशबू है वो काफ़ी लंबे टाइम तक टिकी है। मतलब कि जब मैंने इसको यूज़ किया था, जब मैं लेके आया था तो एक दिन पहले मतलब मैंने यूज़ किया था, तो मैंने जब इसको देखा कि इसकी जो खुशबू है बॉडी पे लगाने के बाद आराम से 8-9 घंटे तक टिक गई थी गर्मी के टाइम, और जब आप कपड़ों पे लगाते हो तो आराम से 12-13 घंटे तक टिक जाती है। लेकिन मैंने यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज ये वीडियो बन रहा है, इसके दिन पहले मैंने इसको लगाया था, उस समय मैं घर में ही था, मतलब मैं बाहर नहीं घूम रहा था, बाहर गर्मी थी, मैं बाहर नहीं गया था। एक मैं आपको बताऊँ, जैसे एक नॉर्मल एक आदमी जॉब करता है या काम करता है, या फिर एक कोई इंसान स्कूल में पढ़ता है या पढ़ाता है, तो वो लोग एक बॉक्स के जैसे कमरे में बंद रहते हैं, तो धूप डायरेक्ट उनको पड़ती नहीं है, खुशबू इवेपोरेट नहीं होती। उस कंडीशन में खुशबू इतने टाइम तक टिकी थी। यहाँ पे ऊपर बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो खुशबू है ये अगर आप 30 के बिलो हैं तो आपको ज़्यादा पसंद आएगी, हालाँकि 30 के अबव हैं तो भी ठीक है, बट ये खुशबू है थोड़ी सी कैजुअल है। तो मतलब नॉर्मल टाइम में अगर आप शादी पार्टी वगैरह में जाते हैं
तो ठीक है, ऑफिस वगैरह में यूज़ करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी प्रोफेशनल खुशबू, थोड़ी सी ओरिएंटल टाइप खुशबू या थोड़ी सी फ्लोरल टाइप की खुशबू अच्छी लगती है, बट ये थोड़ी सी जिसे कहते हैं ज़्यादा ही कैजुअल खुशबू है, ज़्यादा स्वीट है, थोड़ी सी भड़काऊ है, ऐसी खुशबू है। तो 30 के अगर बिलो हैं कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या फिर स्कूल जाते हैं या जिम में आप जाते हैं, उसके लिए खुशबू ठीक है। लेकिन जिसका ध्यान रखना, खुशबू माइल्ड टू हार्ड है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्प्रे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्प्रे अगर आप ज़्यादा करते हो तो आसपास के लोगों को दिक्कत होती है, सेकेंड थिंग बॉडी में इचिंग भी हो सकती है, क्योंकि इसमें अल्कोहल भी थोड़ा ज़्यादा है, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको स्प्रे करना है बॉडी के ऊपर, बॉडी के ऊपर आराम से 7 से 8 घंटा टिक जाएगा, बॉडी पे 5-6 घंटे तक स्प्रे करना, 5 स्प्रे से ज़्यादा स्प्रे मत कीजिएगा, क्योंकि बॉडी में इचिंग हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जब स्प्रे करो तो ध्यान रखिएगा दूर से स्प्रे करना है, क्योंकि ज़्यादा स्प्रे, ज़्यादा नज़दीक स्प्रे करोगे तो बॉडी में जो है जो अल्कोहल है वो जब बॉडी को ज़्यादा रैशेस इरिटेशन दे सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा दूर से स्प्रे करिएगा, 5-6 स्प्रे इनफ है। कपड़ों पे भी ज़्यादा स्प्रे मत कीजिएगा, 5 से 6-7 स्प्रे इनफ है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप बाइक चलाते हो या बाहर घूम रहे हो तो खुशबू डेफिनेटली ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली, 5 से 6 घंटा मैक्स मान के चलिए। लेकिन उस चीज़ में आप उसको साथ में कैरी भी कर सकते हैं, छोटी सी बॉटल है आप साथ में बैग में कैरी कर सकते हैं, उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। खुशबू बहुत अच्छी है, लोग आपको डेफिनेटली पूछेंगे, थोड़ी सी स्वीट, थोड़ी सी फूलों वाली खुशबू है, अच्छी खुशबू है, थोड़ा सा इसके अंदर लेमन का भी थोड़ा सा खट्टापन अब मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मेरे हाथ पे हल्की हल्की स्मेल आ रही है, और जो मैंने स्प्रे करा था वो भी आसपास खुशबू फैल रही है। तो खुशबू बहुत बढ़िया है, 299 में अर्बन जो परफ्यूम का वेरियंट है जूडियो का, वो आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर सस्ते में एक अच्छा परफ्यूम चाहिए और आप ऑनलाइन वगैरह जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको ट्राई नहीं करना चाहते, तो जूडियो का ये परफ्यूम ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हालांकि 2 परफ्यूम और भी थे बट मैंने उनको चूज़ नहीं किया, क्योंकि थोड़ी सी खुशबू ज़्यादा ही एक मतलब चीप टाइप की या फिर कैजुअल हो रही थी। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो खुशबू ऐसी एक्सपीरियंस करें, जो खुशबू एक अच्छा एक जिसे कहते हैं आसपास और क्रिएट करें, कि जो उस खुशबू को जैसे स्मेल करता है तो उसको लगना चाहिए कि किसी जो इंसान ने खुशबू लगाई वो अच्छी खुशबू लगाई है। तो ये रिव्यू था मेरा अर्बन परफ्यूम के ऊपर जूडियो की तरफ से। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।